ठीक है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 अब ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं मैं जरा एक बार मास्टर चार्ट जो हमने बनाया था उधर आपको लेके चलता हूं ये रहा ना आपका सबसे पहले क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वॉडिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर एक्स इज अ वेरिएबल अरे हाँ की ना वेरिएबल उसके अंदर था एक ही एक्स तो एक्स वाई तो वाई कभी भी एक्स और वाई दोनों टर्म साथ में आने वाले नहीं है फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं दैट इज हमारा मेन पार्ट यहाँ पे चार्ट का ये रहा आपने बनाया हुआ है चार्ट ठीक है मुझे, मुझे पता है आपने मैंने ये पहले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था जो हमारे मास्टर चार्ट बनाया था ठीक है अब जरा देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं यहां पे हमारे पास ऑप्शन है अभी कौन सा सॉल्व करने का तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या है तीन मेथड है सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड फिर है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिर है आपके पास फॉर्मूला मेथड तो अब हम यहां पे कौन सा पढ़ने वाला है हम पढ़ने वाले हैं यहां पे फैक्टराइजेशन मैथड ठीक है कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम उसको सॉल्व करने पे तो आते ही आते हैं तो ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ ये रहा आपको उसके लिए अलग से नोट्स लिखा दिए गए थे दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉडिटीक्वेशन फिर अब हम पार्ट ले रहे हैं कौन सा दैट इज फैक्टर मेथड ये रहा। फिर हम सेकेंड पार्ट लेंगे ना तब का तब हम बात करेंगे कौन सा पार्ट सी के बारे में तो फिलहाल अभी उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा ठीक है ये आपको मैंने समझाया था ना रूट ऑफ कॉडेटिक

ठीक है कि नहीं है तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया अगर मैं आपको एक इक्वेशन दो आप उसके अंदर डालते रहोगे थक जाओगे आपका रूट जब तक आंसर आएगा नहीं मतलब जीरो इजिकल टू जीरो इसके पहले जो सॉल्व किया था हमने क्वेश्चन ये देखो ना पूरे एक्सरसाइज में आपको देख लो क्या था एक्स की वैल्यू ये यह देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी ना एम की या तो एम टू डालो फाइव अपॉइंट टू डालो आंसर अगर आता है तो ठीक है जीरो जीरो नहीं आता है तो रूट नहीं है ठीक है कि नहीं है लेकिन मैं आपको ये नहीं दू ठीक है क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं देता हूं सिर्फ एक ऑर्डेड इक्वेशन देता हूं अब रूट ढूंढो तो आप पहले ढूंढोगे वन सब्सिटूट करोगे फिर टू सब्सिट्यूट करोगे चलो टू पे आपका आंसर आया तो अच्छी बात है चलो आ गया मैं मान लेता हूं आंसर आ गया देखो यहां पे आया नहीं है लेकिन मान लो आंसर आ गया उसके बाद का आप कब तक ढूंढते रहोगे अनलिमिटेड नंबर्स है तो आप सब सब्सिट्यूट करते रहोगे क्या बिल्कुल भी नहीं इसके लिए आपको मेथड चाहिए क्या चाहिए मेथड तो कौन से कौन से मेथड होंगे कौन से बताओ फैक्टराइजेशन मेथड है अब फिलहाल हम उसी पे बात करते हैं दैट इज हमारा पार्ट बी तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट बी दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड अब यहाँ पे तीन तरीके हैं आपके पास वापस से एक तो है सबसे पहला कौन सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ठीक है ये आपने एट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे और हमारा सम सॉल्व करेंगे तो अब सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले आपके लिए एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ठीक है इस तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पे एक ट्राइंगल का मतलब एक छोटा सा एक उल्टा वी बना देंगे ठीक है अब आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले क्या होना चाहिए ये जो नंबर है यहाँ पे अगर वन है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप, आप क्या करोगे इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे वन है तो करने की जरूरत भी नहीं है अब पहला समय तो मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिखोगे माइनस फाइव अगर यहां पे सपोज टू होता तो आप लिखते हैं यहां पे माइनस टेन ठीक है ये तो केस है क्या नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं ठीक है अब आपको क्या चाहिए ऐसा नंबर आपको जोड़ी ढूंढनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करो क्या करो मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिले माइनस फाइव और जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो मतलब यहां पे तो ये मल्टीप्लाई रूल रूल लगेगा और यहां पे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए माइनस फाइव एड सब्ट करो तो ये जो बीच वाला है ना आंसर ये आना चाहिए दैट इज वॉट माइनस फोर तो ऐसी आपको जोड़ी क्या करनी है ढूंढनी है तो अब आप ये कैसे करोगे ठीक है आप करोगे फैक्टर्स निकालोगे किसका फाइव का फाइव के फैक्टर्स क्या है फाइव वन जा और जो बड़ा नंबर होगा ना वो आप पहले लिखोगे तो ये आपने लिखा फाइव वन तो पहला मल्टीप्लाई रूल चेक करते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाय वन करो तो आंसर इज व्हाट फाइव तो ये आपका ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हो गया कि नहीं हुआ तो आप सही जा रहे हो अब आपको दिक्कत आ रही कौन सी साइन की आपको क्या देखना है साइन देखना है साइन कौन सा यूज होगा साइन कौन सा यूज होगा बताओ अगर आपको नेगेटिव आंसर चाहिए मतलब माइनस फाइव चाहिए कि सॉरी चाहिए ना ये रहा माइनस फोर चाहिए तो आपको ग्रेटर नंबर साइन लगती है हमेशा पॉजिटिव और प्लस करोगे तो यहाँ पे माइनस दे दो यहां पे प्लस दे दो अब यहाँ पे ये वाली साइन हट जाएगी माइनस फाइव प्लस वन करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा आपको आंसर मिलेगा माइनस फोर और यही सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी थी मतलब जब आप ये वाला करोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपका आंसर आना चाहिए ठीक है ये अब जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तब आपको आंसर आना चाहिए ये वाला लेकिन अगर यहाँ पे सपोज ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर वेरिएबल वन के जगह यहाँ पे वन के जगह कुछ और हो तो पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो एक और बार मैं अच्छे से इसको समझा देता हूँ वापस से लिखता हूं मैं कोई दिक्कत नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ठीक है साथ में अब बताओ मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या है वन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या ले लोगे माइनस फाइव अब आपको ऐसी जोड़ी चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला आंसर आना चाहिए ठीक है और ऊपर वाला बोलेंगे तो ये वाला ये वाले सम के केस में और और जब आप एडिशन करो जो भी करो तब आंसर कौन सा आना चाहिए आपका माइनस फोर आना चाहिए तो वो नीचे की जोड़ी हो गई जो मैंने आपको बताया अब आप क्या करोगे उसको लिखोगे टेंशन मत दो मैं सब हटा दूंगा एक्स्ट्रा चीजें जो है मैं हटा दूंगा आपके लिए तो नीचे जो आपको चाहिए क्या होगा माइनस ठीक है और क्या करोगे आप प्लस वन. तो ये जब जोड़ी आप कर रहे हो तब आपको क्या मिल रहा है माइनस फोर जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल रहा है माइनस फाइव तो ये आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका क्या है आंसर करेक्ट है तो अब आपको लिखना है तो मैं क्या करता हूं ये सब चीजें हटा देता हूं ठीक है और यहां पे लिखता हूं मैं माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू माइनस फाइव तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई ठीक है और इससे आपका एडिशन सब्रैक्शन वाला हो गया तो ये आप पहले लिख लो और बाकी सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ ठीक है आप पहले इतना सा लिख लो पार्ट वन फिर पार्ट टू फिर पार्ट थ्री भी हम करेंगे तो पहले इतना समझो इतना लिख लो पहले ठीक है लिख लिया होगा आपने इतना अब तक आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट दैट इज सेकंड पार्ट पे टेकिंग कॉमन फैक्टर फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेर सी इज वॉट जीरो तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दूसरे तरीके का दिया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे एक एक स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू तो जीरो वेर सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है सेकेंड जो आपके पास है दैट इज क्या है टेकिंग कॉमन फॉर एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सॉरी टेकिंग कॉमन फैक्टर फॉर ए एक्स स्क्स इज इक्वल टू जीरो टू जीरो करोगे वहां पर अब आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं दट इज वॉट टू एम स्क्वायर माइनस फाइव टेकिंग कॉमन फैक्टर फॉर कॉमन देखो दोनों में क्या एम कॉमन है तो मैं एम को बाहर निकाल देता हूं ठीक है एम को बाहर निकाला तो क्या बचा टू एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो अरे हाँ कि ना तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे एम इज इक्वल टू जीरो और टू एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो एम इज इक्वल टू फाइव बाई टू ठीक है पॉजिटिव वहां पे चला जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो रूट यहां पे ढूंढ सकते हो और आपका अभी यहां पे थर्ड केस क्या बनेगा थर्ड केस देखो यूजिंग ई स्क्र माइनस बी फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है तो ये आपने फॉर्मुला किया ना ए माइनस बी ए प्लस बी वाला तो ये उसी तरीके से आपका सॉल्व होगा तो देखते हैं इसके इसके लिए लिए लेता हूं अब आपको क्या ये थर्ड फॉर्म आपका है ना क्वाड्रेटिक वाला उस तरीके से आपको दिया हुआ तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं तो इसको आप करोगे ए द होल स्क् माइनस फाइव द होल स्क् तो ये हो जाएगा ए माइनस फाइव ये हो जाएगा ए प्लस फाइव इसको भी आप अगर सोल्व करना चाहोगे आगे इसको ले लो जीरो इज टू जीरो इज टू जीरो सो ए इज टू फाई ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा ए माइनस फाइव इज एकवल टू ज़ीरो और ए प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो दे ए इज ईक्ल टू फाइव और ए इजल टू माइनस फाइव ठीक है तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गए आंसर्स मिल गए इधर भी आपको ये आंसर मिला ये आंसर मिला और यहाँ पे भी आपको सॉल्व अरे यहाँ पे सॉल्व तो किया ही नहीं सॉल्व कर देते हैं एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस फाइव एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस फाइव प्लस वन एक्स कॉमन तो एक्स माइनस फाइव ये और ये हमेशा क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए आपने एथ स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और ये हो जाएगा x माइनस फाइव अगर आप यहां पे लेते हो इजिकल टू जीरो स्टार्टिंग से ही तो एक्स इज इक्ल टू माइनस वन और x इज इक्ल टू फाइव ठीक है ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा तो आप इसको पहले लिख लो पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन मेथड और मैक्सिमम यही सम सॉल्व होगा मोस्टली ठीक है ये वाला पार्ट ही पूरे के पूरे एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व होने वाला है तो आप ये फैक्टराइजेशन मेथड ये पार्ट बी जो हमारा मास्टर चार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 हम चालू कर देंगे तो ये आप पहले लिख लो और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत अच्छे से आपको करना है उसके बाद मैं आपको समरी भी बता दूंगा वो लास्ट में होगी ठीक है जो प्लस माइनस का ये जो चीज़ है ना जो ये वाला गेम गेम कैसे खेलना है मतलब ये मैं आपको लास्ट में हर सम के अंदर तो करना ही है फिर स्टैंडर्ड चीज़ें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वो पहले बताऊंगा तो यार वो मतलब नहीं रहेगा फिर आप सीखोगे नहीं बोलोग बार बार आप वैसे ही अप्लाई करते रहोगे तो वो गलत बात हो जाएगी ठीक है तो सब सीखते सीखते मैं आप अपने स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करूंगा और कोशिश कामयाब होगी मुझे पूरा पता है और आप प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे तो ये लिख लो तीनों एग्जाम्पल ठीक है ये पार्ट मैंने क्या किया यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इसके अलावा आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाले नहीं है तो ये एक पूरा का पूरा फुल प्लेज आपका क्या है समरी है और ये लास्ट में ये रहा ठीक है फिर हम प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे 2.2 तो रेडी रहना इतना आप पहले लिख लो रिवाइज कर लो